आपने अपने स्कूल में देखा होगा या फिर कॉलेज में देखा होगा कि हर क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिक्स होते हैं अगर स्कूल की बात करें तो वहाँ पर जो है एक क्लास में तीस स्टूडेंट्स हो सकते हैं यानी कि एक समय पर एक क्लास में एक टीचर तीस बच्चों को पढ़ाएगा उससे ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा अगर उससे ज़्यादा बच्चे होंगे तो दूसरा सेक्शन बना दिया जाता था इसी तरीके से कॉलेज में कॉलेज में बच्चे बड़े होते हैं तो वहाँ पर एक क्लास में साठ स्टूडेंट्स को जो है एक साथ पढ़ाया जा सकता है यानी कि एक फैकल्टी एक क्लास में साठ बच्चों को एक साथ जो है पढ़ा सकती है क्योंकि वहाँ पर बच्चे बड़े होते तो उनको एक साथ मैनेज

को दे दिया जाता है कि आप पांच छह सबोर्डिनेट को जो है मैनेज करिए तो स्पेन ऑफ कंट्रोल स्पेन का मतलब होता है सीमा अवधि यानी कि कितना कितने लोगों को आप जो है कंट्रोल कर सकते हो कितनी सीमा है आपकी आप कितने लोगों को एक बार में मैनेज कर सकते हो क्लियर द सबॉर्डिनेट्स दैट कैन बी पर्सनली डायरेक्टेड बाई ए सुपरवाइजर और एन एडमिनिस्ट्रेटर तो हर जगह पे क्या होता है कि लिमिटेशन होती है एक बार में जैसे कोई मीटिंग होनी होती है तो एक बार में कितने लोग मीटिंग अटेंड कर सकते हैं उससे ज्यादा मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हैं सबकी जो है लिमिट होती है तो उसी तरीके से एक मैनेजर जो है कितने सबॉर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है इफेक्टिवली उसी को स्पैन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है तो लुइस एलन ने इसको डिफाइन किया क्या कहा कि स्पेन ऑफ कंट्रोल रिफर्स नंबर ऑफ पीपल दैट मैनेजर कैन सुपरवाइज कितने लोगों को मैनेजर जो है इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है उसके नंबर को ही स्पेन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है और स्पेन ऑफ़ मैनेजमेंट ही है या स्पेन ऑफ कंट्रोल ही है जो कि ये डिसाइड करता है कि, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होंगे अगर एक मैनेजर बहुत सारे एम्प्लॉय को एक साथ जो है वहाँ पर कंट्रोल कर सकता है तो वहाँ पर जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वहाँ पर कम होगा लेकिन एक टाइम पर एक मैनेजर जो है कम ही को मैनेज कर रहा है तो उस केस में वहाँ पर क्या होता है कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट बढ़ेगा जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे तो यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि नंबर ऑफ इम्प्लाइज दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाई मैनेजर एक मैनेजर कितने एम्प्लॉय को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है या फिर एक सुपरवाइजर कितने सबॉर्डिनेट को इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है उसी नंबर को स्पैन ऑफ कंट्रोल या फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं तो जैसे स्कूल में है कि तीस स्टूडेंट्स एक टीचर पे कॉलेज में है साठ स्टूडेंट्स एक टीचर पे तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में क्या इफेक्टिव नंबर होगा यानी कि एक मैनेजर एक सुपरवाइजर एक बार में कितने लोगों को मैनेज कर सकता है इफेक्टिवली वो नंबर कैसे डिटरमाइन करें तो अकॉर्डिंग टू वी ए ग्रैकुनर्स उन्होंने क्या कहा कि ए मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज फाइव और सिक्स सब यानी कि एक टाइम पर एक मैनेजर पाँच से छः सबॉर्डिनेट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है तो इनका फॉर्मूला था जिसके बेसिस पर उन्होंने ये डिराइव किया है और वहीं पर अगर लोअर लेवल पे ये तो टॉप मैनेजमेंट की बात हो गई कि टॉप मैनेजमेंट पर अगर सुपरवाइजर है और तो वो पाँच से छः सबॉर्डिनेट को मैनेज कर सकता है वहीं पर अगर जो है लोअर लेवल की बात करें तो लोअर लेवल पर एक एम्प्लॉई एक सुपरवाइज़र बीस सबॉर्डिनेट को जो है वहाँ पर मैनेज कर सकता है हायर लेवल पर है मैनेजमेंट पर तीन लेवल होते हैं लोअर मिडिल और हाई लेवल या अपर लेवल तो हाई लेवल पे अगर मैनेजर है तो वो जो है पाँच से छः सबॉर्डिनेट थे को मैनेज कर सकता है लेकिन लोअर लेवल पे अगर मैनेजर्स हैं या फिर जो सुपरवाइजर्स होते हैं

तो वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या हो गया ए मैनेजर कैन सुपरवाइज एंड कंट्रोल इफेक्टिवली ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन एट अ टाइम तो वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है कि एक मैनेजर जो है कई लोगों को एक साथ सुपरवाइज कर सकता है तो उसको वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं क्लियर तो यहां पर वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल की वजह से जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसा हो जाता है फ्लैट स्ट्रक्चर और एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विथ फीवर लेवर ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर क्या होगा कि जो कुछ ही लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट होंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर जो है एक ही मैनेजर के अंदर सभी लोगों को जो है डाल दिया जा रहा है तो फर्दर आगे जो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट वहां पर होगा ही नहीं एक ही मैनेजर सभी सबॉर्डिनेट को सभी जो है इंप्लाइज को कंट्रोल कर रहा है मैनेज कर रहा है क्लियर तो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल और ये कैसा होता है फ्लैट स्ट्रक्चर होता है क्लियर अब इसको फ्लैट बनाने के लिए क्या होता है या फिर स्पेन ऑफ कंट्रोल को वाइडर बनाने के लिए क्या होता है कि डी लेयरिंग प्रोसेस यहां पर किया जाता है डी लेयरिंग का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो है जो स्पेन ऑफ कंट्रोल है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है नंबर ऑफ मैनेजर को रिड्यूस किया जाता है तो इससे क्या होता है कि कम लेयर्स बनेंगे एक ही मैनेजर सभी को वहां पर जो है मैनेज कर रहा है तो फर्दर कोई और जो है लेवल वहां पे क्रिएट ही नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा कि वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल होगा अब वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल के अपने जो है वहां पर एडवांटेज है डिसएडवांटेज है प्रॉस एंड कॉन्सिक्वेंस है प्रॉस की बात करें तो क्विक डिसीजन मेकिंग तो यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा लेवल्स है ही नहीं एक ही मैनेजर सभी सबॉर्डिनेट को कंट्रोल कर रहा है तो यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन फास्ट होगा और डिसीजन मेकिंग जो है वो क्विक होगा इफेक्टिव कॉर्डिनेशन यहाँ पर कॉर्डिनेशन जो है इफेक्टिव होगा क्योंकि सभी लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे होंगे कि क्योंकि ज़्यादा लेवल यहाँ पर होते नहीं है लेकिन इसके डिसएडवाटेजेज भी हैं जैसे कि मैनेजर के पास जो है ज़्यादा प्रेशर रहेगा कि उसको जो है एक ही साथ कई लोगों को वहाँ पर मैनेज करना पड़ता है आप कभी देखिए एक फैकल्टी चार बच्चों को अच्छे से पढ़ा लेगा लेकिन पचास बच्चों को एक साथ पढ़ाना होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा इफेक्टिवनेस

ये बात हो गई वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल की अब नैरो नैरोपेन ऑफ कंट्रोल क्या हो जाएगा तो व्हेन द वर्क एंड अथॉरिटी डिवाइडेड अथॉरिटीड मेनी सबॉर्डिनेट मैनेजर सुपरवाइज एंड कंट्रोल ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल तो यहां पर क्या होता है कि जो वर्क और अथॉरिटी हो बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स को बांट दिया जाता है और जो मैनेजर होता है वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को मैनेज करता है तो उसको कहते हैं नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल यहां पर क्या होता है कि ज्यादा लेयर्स होते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर ज्यादा होंगे और इसी की वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा टॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो वाइड

एग्जैक्टली exactly, वो मैसेज वहां पर पहुंचे ही ना उसमें मिर्च मसाला अलग से लग के वहां पर पहुंचे कोऑर्डिनेशन इज डिफिकल्ट टू अचीव यहां पर क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट यहां पर ज्यादा हो जाते हैं यानी कि ऐसा नहीं कि कॉर्डिनेशन होगा ही नहीं लेकिन हाँ कॉर्डिनेशन डिफिकल्ट होगा या फिर कम होगा कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर आपको बहुत देखने को मिलेगा क्योंकि लेवल ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा है मोर ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सुपरविजन आएगा और नो क्विक रिस्पॉन्स टू इन्वॉर्मेंटल चेंज यहां पर जो है तुरंत कोई रिस्पॉस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा यानी कि भाई जितने ज्यादा लेवल मैनेजमेंट बनाओगे उतने ज़्यादा ही वहाँ पर जो है सारा काम क्या होगा डिले से होगा लेट होगा तो ये जो है कहीं ना कहीं नैरो नैरोपेन ऑफ कंट्रोल के कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्लियर अब यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि स्पेन ऑफ कंट्रोल को अफेक्ट करते हैं यानी कि स्पेन ऑफ कंट्रोल वाइड होगा या फिर नैरो होगा वो जो है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जैसे कि एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट अगर सबॉर्डिनेट जो है कैपेबल है कि वो सारे काम कर सकता है तो ऐसे केस में सुपरवाइजर को ज्यादा उन पर ध्यान देने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी मैनेजर को उनको ज्यादा जो है अटेंशन देने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी तो ऐसे केस में वाइड स्पेन जो है वहां पर किया जा सकता है क्लियर द मैनेजर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव मोर अटेंशन टू देम एंड मोर सबॉर्डनेट्स कैन बी सुपरवाइज तो एक साथ जो है कई लोगों को आप सुपरवाइज कर सकते हो जब जब जो सबॉर्डिनेट हैं वो उन कैपेबल होंगे उनके अंदर एबिलिटी होगी काम को करने की तो यानी कि किसी क्लास में सारे के सारे जो है अच्छे बच्चे हैं तो वहां पर क्या है कि सारे अच्छे बच्चे हैं तो वहां पर जो है कोई भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी तो एक फैकल्टी जो है पर बहुत सारे जो है बच्चों को मैनेज कर सकता है क्लियर तो एबिलिटी ऑफ अगर है यानी कि कैपेबिलिटी अच्छी है की अटेंशन उनको ज़्यादा नहीं चाहिए तो ऐसे में वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल हो सकता है लेकिन अगर कैपेबल नहीं है तो उस केस में जो है पर नैरो नेरोन ऑफ कंट्रोल रखा जाता है आपने देखा होगा कि क्लासरूम में अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उसको ट्यूशन लगवा दिया जाता है ट्यूशन में क्या होता है कि एक फैकल्टी एक ही बच्चे को पढ़ाएगी क्यों क्योंकि वो क्लासरूम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है अगर क्लासरूम में अच्छा परफॉर्म करे तो तो उसको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्लियर तो एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट यहां पर डिपेंड करता है फिर नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डेलीगेशन डेलीगेशन यानी कि क्या होता है यहां पर कि आप जो है अथॉरिटी को नीचे अपने को दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहां पर अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं किया जाता है तो ऐसे में वहां पर क्या होगा वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल होगा मैनेजर सारा पावर अपने पास ही रखेगा यानी कि खुद ही सबको सबॉर्डिनेट कोऑर्डिनेट करेगा उनको जो है मैनेज करेगा वहीं पर अगर जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी को डेलीगेट किया जाता है तो इस केस में क्या होगा कि वहां पर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ढ सारे बनेंगे और वहां पर क्या होगा नैरो नैरोपेन ऑफ कंट्रोल होगा क्लियर इसी तरीके से कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी ऑफ 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 सुपरवाइजर सुपरवाइजर बात हो गई थी एबिलिटी की इसी तरीके से का भी देखा जाता है अब जो सुपरवाइजर है जो मैनेजर है वही नहीं जो है बहुत सारे लोगों के साथ मैनेज कर पा रहा है तो इसके क्या होगा नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल होगा लेकिन अगर सुपरवाइजर कैपेबल है तो वो क्या है वहां पर वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल हो सकता है यानी कि एक साथ वो कई सारे लोगों को मैनेज कर सकता है क्लियर तो ये जो है यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये सारे फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं इसी तरीके से नेचर ऑफ वर्क है यानी कि किस टाइप का काम है अगर जो है वहां पर रूटीन वर्क ही परफॉर्म किया जा रहा है यानी कि ऐसा काम परफॉर्म किया जा रहा है जो कि रिपीटेटिव नेचर का है बार बार वही काम करना है तो इस केस में वाइड स्पैन वहां पर हो सकता है क्योंकि ज्यादा टेंशन देने की बात ही नहीं है वही काम बार बार करना है लेकिन अगर जो है बार बार वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नेचर का टास्क है या फिर रिपीटेटिव टास्क नहीं है वहां पर तो उस केस में नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल रखा जाता है क्योंकि वहां पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो जहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है ज्यादा टेंशन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर नैरो स्पैन होता है जहां पर ज्यादा टेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ती वहां पर क्या होता है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है क्लियर इसी तरीके से जियोग्राफिकल डिस्पर्जन यानी कि कितना फैलाव है जियोग्राफिकली अगर आप दूर दूर हो तो वहां पर क्या होगा कि बट ऑफ होते कि नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल होगा ए मैनेजर कैन सुपरवाइज इजली दी वर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सबॉर्डिनेंट इफ़ दे आर लोकेटेड इन वन कॉन्टैक्ट प्लेस अगर जो है एक ही जगह पर सपोज करिए कि डेली में ब्रांच है और डेली में ही सारे के सारे हैं तो वहां पर क्या होगा वहां पर वाइड स्पेन ऑफ कंट्रोल हो सकता है क्योंकि वहां पर सब लोग एक साथ मिल जाएंगे लेकिन अब आपका ऑफिस जो है डेली में भी है मुंबई में भी है कोलकाता में भी है